हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज एडमिन सेंटर के द्वारा यूज़र मेलबॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर जो डोमेन यूज़र्स होते हैं, अगर आप उन्हें मेलिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि वो यूज़र्स मेल कंपोज कर सके, सेंड और रिसीव कर सके, तो इसके लिए हमें यूजर मेलबॉक्स क्रिएट करना होता है। दोस्तों, यूजर मेलबॉक्स आप एक्सचेंज एडमिन सेंटर और एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल दोनों तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडमिन सेंटर के द्वारा आप एक्सचेंज इन्वायरमेंट में कैसे यूजर्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं अपनी वर्चुअल मशीन यूज करूंगा जिस नोड 1 के नाम से, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक्सचेंज सर्वर 2016 इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहले सर्वर मैनेजर ओपन करके देखें तो मैंने यहां पर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, डोमेन नेम को एक्सपेंड कीजिएगा यूजर्स ओयू में। देखो, यूजर्स ओयू में मैंने एक यथार्थ नाम के यूजर क्रिएट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं यथार्थ यूजर्स के लिए मेलबॉक्स क्रिएट करना, ताकि ये यूजर्स अपने मेलबॉक्स को एक्सेस करके मेल सेंड और रिसीव कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सचेंज एडमिन सेंटर ओपन करना होगा। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी एक्सचेंज एडमिन सेंटर ओपन किया हुआ है। अब एक्सचेंज एडमिन सेंटर होता क्या है, कैसे इसे ओपन करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहां पर मैं एक्सचेंज एडमिन सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से साइन इन करता हूं। थोड़ा वेट कीजिएगा जरा। अपना टाइम जोन वगैरह सिलेक्ट कीजिएगा लॉगिन करने के लिए। मेरा है UTC 530, चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली। जस्ट सेव पर क्लिक कर दीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सचेंज एडमिन सेंटर जो है वो ओपन हो गया है विद एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यूजर मेलबॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं तो रेसिपेंट ऑप्शन के अंदर यहां पर मिलेगा आपको मेलबॉक्सेस, और मेल यहां पर आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का मेलबॉक्स ऑलरेडी क्रिएट है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये किस टाइप का मेलबॉक्स है। मेलबॉक्स टाइप में यूजर मेलबॉक्स है और इसका ईमेल एड्रेस है administrator@malik.com। यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब अगर आप कोई अनदर, जैसे कि यथार्थ यूजर का मेलबॉक्स क्रिएट करना है, तो इस प्लस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहां से दोस्तों आप यूजर मेलबॉक्स और लिंक्ड मेलबॉक्स, ये दो तरीके से दो टाइप के मेलबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यूजर मेलबॉक्स पर क्लिक करता हूं और न्यू यूजर मेलबॉक्स कंसोल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहां पर किस वो नेम डिफाइन कीजिए जिस नेम से आपका मेलबॉक्स एक्सचेंज एडमिन सेंटर में डिस्प्ले होगा। मैं सेम नेम ही रख रहा हूं, यथार्थ। अब यथार्थ नाम का यूजर अगर आपके डोमेन इन्वायरमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप यहां से ब्राउज पर क्लिक कीजिएगा और यहां से वो यूजर सिलेक्ट कीजिए जिस यूजर का आप मेलबॉक्स क्रिएट करने जा रहे हैं। यूजर नेम सिलेक्ट कीजिएगा, ओके। और यहां पर आप देख सकते कि मैंने यथार्थ नाम के एग्जिस्टिंग यूजर को एड कराया। और अगर आपके डोमेन इन्वायरमेंट में कोई यूजर नहीं है और आप चाहते हैं कि नया यूजर भी क्रिएट हो जाए डोमेन इन्वायरमेंट में के साथ साथ उसका मेलबॉक्स भी क्रिएट हो जाए, तो आप यहां पर न्यू यूजर पे चेक मार्क करेंगे, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कुछ देर बाद। तो मेरे डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर यथार्थ नाम का यूजर एग्जिस्ट था जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था, और जस्ट मैं इसका मेलबॉक्स क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहां से मैंने एलियास नेम डिफाइन किया कि किस नेम से यथार्थ यूजर का मेलबॉक्स एक्सचेंज एडमिन सेंटर में डिस्प्ले होगा।
यूजर नेम सिलेक्ट किया, देन इसको ड्रॉप कीजिएगा और मोर ऑप्शंस में जाइएगा। मोर ऑप्शंस में जाकर यहां से आपको डिफाइन करना है मेलबॉक्स डेटाबेस कि ये यथार्थ नाम का जो मेलबॉक्स है ये किस डेटाबेस में आप क्रिएट करना चाहते हैं, मेलबॉक्स डेटाबेस। अब मेलबॉक्स डेटाबेस क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने YouTube चैनल पर, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से मैं ब्राउज करके मेलबॉक्स डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा, जिस भी मेलबॉक्स डेटाबेस में मुझे ये मेलबॉक्स क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन ओके के साथ साथ अगर आप इस मेलबॉक्स के लिए आर्काइव भी क्रिएट करना चाहते हैं, आर्काइव मेलबॉक्स, तो आप यहां पे चेक मार्क कर दीजिएगा। एक्चुअल में आर्काइव जो होता है दोस्तों ये सेकेंडरी मेलबॉक्स होता है कि इन केस हमारे जो मेल्स हैं चाहे वो सेंड हुए हैं या रिसीव हुए हैं वो मेलबॉक्स काफी पुराने हो गए हैं तो हम लोग अपने ओल्ड मेल्स को आर्काइव में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां से अभी मुझे आर्काइव कॉन्फ़िगर नहीं करना है तो इसको अनचेक ही रहने दीजिएगा, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, देन सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यथार्थ यूजर के लिए मेलबॉक्स जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और ये यूजर मेलबॉक्स है, यहां से आप लोग देख सकते हैं। और इस यथार्थ मेलबॉक्स के लिए जो हमारा मेल एड्रेस है वो है yatharth@malik.com, यहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों एक ऐसा यूजर जो हमारे डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ था। मेरे पास यहां पर केवल यथार्थ ही यूजर है, इसके अलावा मैंने कोई अनदर यूजर क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं एक ऐसा मेलबॉक्स क्रिएट करना या एक ऐसे यूजर के लिए मेलबॉक्स क्रिएट करना जो हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग एक्सचेंज एडमिन सेंटर से ही यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं अपने डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर, के साथ साथ उसका मेलबॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप प्लस पे क्लिक कीजिएगा, यूजर मेलबॉक्स, और यहां पर मान लीजिए मैं प्रीत यूजर के लिए मेलबॉक्स क्रिएट करना चाहता हूं और प्रीत यूजर हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं चाहता हूं प्रीत नाम का ही न्यू यूजर भी क्रिएट हो जाए। तो न्यू यूजर पे चेक मार्क कीजिएगा, फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम आप डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम, और प्रीत नाम का जो यूजर है वो किस ओयू में आप क्रिएट करना चाहते हैं, ब्राउज कीजिएगा यूजर्स ओयू, ओके कीजिएगा, देन लॉग प्रीत यूजर का लॉग ऑन नेम डिफाइन कीजिएगा, प्रीत यूजर का पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, और उस पासवर्ड को आप कंफर्म कीजिएगा, जस्ट इसको ड्रॉप कीजिएगा, यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं, मोर ऑप्शंस में जाइएगा, यहां से आप अगेन मेलबॉक्स डेटाबेस सेलेक्ट करना है आपको, किस डेटाबेस में ये मेलबॉक्स क्रिएट करना है, अगेन आर्काइव भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी के लिए जस्ट मैं यही चीजें डिफाइन कर रहा हूं, जस्ट सेव पर क्लिक कीजिएगा। अब देखे दोस्तों यहां पर प्रीत यूजर का मेलबॉक्स क्रिएट हो गया है, यूजर मेलबॉक्स है ये, और प्रीत यूजर का ईमेल एड्रेस है preet@malik.com के साथ साथ अगर दोस्तों हम लोग चेक करें क्या प्रीत नाम से हमारे डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर कोई यूजर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाइएगा और उस ओयू को सिलेक्ट कीजिए जिस ओयू में आपने अभी एक्सचेंज एडमिन सेंटर के द्वारा यूजर क्रिएट किया है जो कि हमारा यूजर्स ओयू है। और दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रीत नाम का यूजर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे एक बार यहां पर रिफ्रेश कीजिएगा। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो प्रीत नाम का जो यूजर है यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमने दो तरीके से यूजर मेलबॉक्स क्रिएट करना
क्रिएट करना डिस्कस किया, अगर आपका डोमेन यूजर ऑलरेडी डोमेन इन्वायरमेंट में अवेलेबल है तो उसका मेलबॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर एक्सचेंज एडमिन सेंटर से ही डोमेन यूजर क्रिएट करना, साथ के साथ उसका मेलबॉक्स भी कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किया है अभी हमने।